नमस्कार, मैं हूं संदीप अखेला। आज कुछ अलग बात करने का मन कर रहा है। क्या है कि बच्ची को जब छोड़ने मैं स्कूल गया था तो वैसा माहौल नहीं था जैसा हमारे समय में नाग पंचमी के दिन हुआ करता था। नाग पंचमी के दिन वैसे तो छुट्टी होती थी, लेकिन उस दिन भी हमें स्कूल जाना होता था और ब्लैक बोर्ड पर जो है बहुत बढ़िया तरीके से नाग भगवान बनाया जाता था। सब बच्चे एकत्रित होते थे, नाग भगवान की दूध से पूजा होती थी और हमें बड़ा अच्छा लगता था। सभी सर, सभी जितने शिक्षक हमारे वहाँ रहते थे और नाग पंचमी की पूजा करते थे। लेकिन धीरे 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 जो है स्कूलों में वैसी पूजा नहीं होती है। सरकारी स्कूल में अभी भी होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में उस तरीके की पूजा नहीं होती है। लेकिन समय बदलते जा रहा है। हमारे समय में हैप्पी नाग पंचमी लोग नहीं कहते थे, लेकिन आज जो है सुबह से जब मैं अपने मोबाइल को देख रहा था तो लोग नाग पंचमी की शुभकामनाएं दे रहे थे और कह रहे थे हैप्पी नाग पंचमी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी हैप्पी रहें। लेकिन आज भी स्कूल के समय में जिस तरीके से नाग पंचमी की पूजा की जाती थी, ब्लैक बोर्ड पर जिस तरीके से पूजा होती थी, वास्तव में स्कूलों में जिस तरीके से उस समय नाग पंचमी की पूजा होती थी, उसके बाद जो छुट्टी हो जाती थी, मतलब दो आनंद, एक तो नाग पंचमी का आनंद और दूसरा छुट्टी का आनंद, बड़ा आज भी रोमांचित कर देता है। लेकिन वास्तव में वो भी क्या दिन थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी भी स्मृतियों में वही सब बातें आ रही हो जो आज मेरे हृदय में आई हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी बातें लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सबसे विश्वसनीय बनने के लिए lalluram.com को गुजरना होता है इन पैनी नजरों से। खबर क्या है ये हम बताते हैं। राजनीतिक दांव पेंच को हम आपको समझाते हैं। जब मधु कोड़ा निर्दलीय होकर सीएम बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। सच क्या है वो हम ढूंढ लाते हैं। lalluram.com की नजरें जो केवल सच दिखाती हैं, ये है lalluram.com की टीम जो नहीं देखती रात और दिन। सबसे अनुभवी कलमकार, सबसे विश्वसनीय लोगों के साथ छत्तीसगढ़ की नंबर वन न्यूज वेबसाइट lalluram.com, सच कहेंगे lalluram।